एसएमएस करना, तुम लोग के लिए तुरंत फ्लाइट होगा क्योंकि तुम लोग के तुरंत ये वीज़ा मिलेगा। पर जो रिटर्न वाले हैं भाई, वो जो अपना जल्दी जाना होगा, तो तुम लोग का तुरंत, मैं पर्सनली कह रहा हूँ, आप लोगों का जल्दी से जल्दी वो वीज़ा मिल जाएगा क्योंकि उतना रिटर्न वाला के तुरंत मांग रहे हैं। इस समय जो रिटर्न आया है पम बगान में काम करके गया है, वापस इंडिया में है, अभी वीज़ा नहीं मिला है। कहीं भी तुम लोग होगा, अगर मेरा वीडियो आप लोगों के ध्यान में आया होगा, कहीं देखा होगा, तो भाई आप लोग ने, हेलो गाइस कैसे हो, ऑफकोर्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे, पहले से भी ज़्यादा अच्छे होंगे भाई। ऐसे में 11 तारीख को, 11 मार्च को, अप्रैल के बाद मार्च, हाँ भाई मार्च में भाई 11 तारीख को मेडिकल होने स्टार्ट हो जाएगा। एक ना रिश्ता का, एक फेलकरा का, दो कंपनी का वीजा ना स्टार्ट होने वाला है। बट भाई एक चीज़ बात सुन लो, क्योंकि अभी फ्री वाला वीजा नहीं आता है, क्योंकि जो फ्री वाला आता था कम पैसा में, तो भाई वो ना जानते हो क्या, वैसे में नहीं निकल रहा है, तभी कुल पैसा वाला वीजा जा रहा है। अब बताओ क्या करो, अब तुम लोग का मर्जी है, बट वीजा तो निकल रहा है भाई। 10 तारीख से मेडिकल स्टार्ट हो जाएगा। फेलकरा में जिसको आना है, 50-100 का वैकेंसी मतलब मिला है, जिसको जाना है कोलकाता ऑफिस ले भाई, दूसरा जो नहीं, कोलकाता से मेडिकल होगा भाई, वो वीजा 1-3 महीना के अंदर में आ जाएगा। एक चीज़ और है भाई, रिश्ता का भी है, नहीं दूसरा कंपनी नहीं, एक फेलकरा एक रिश्ता, ये दोनों कंपनी का भाई जानते हो क्या, ये दोनों कंपनी का वैकेंसी निकल गया भाई। और वह नहीं 11 तारीख लिए, ईद तो ख़त्म हो गया ना भाई, ये सब सब रमजान समझान ईद सब बीत गया, छुट्टी वुट्टी सब कुछ बीत गया, आप ही जस्ट जैसा खुला है। बट फेलकरा का रिश्ता का दो जगह का कंपनी का वैकेंसी चालू हो गया भाई। सही में बोल रहा है, मजाक नहीं कर रहे हैं तुम लोग ऐसा। बट भाई सब पैसा वाला है, ये नहीं समझो कि फ्री का है, कम पैसा 50,000 से नीचे भी नहीं है भाई, सब परे है, जान जाओ 70-80 के लपेट में है भाई, इतने कोस है पैसा का। अब बट भाई महीना के तो समझो कितना है, महीना तो 40,000 रुपया निकाल दोगे, 2 महीना का सैलरी है, और कितना लगाओगे तो 2 महीना का सैलरी होगा। और जिसको जाना है भाई, इंस्टाग्राम पे एसएमएस कर ले, आपको नंबर देंगे भाई, 11 तारीख ले बात वीजा मेडिकल स्टार्ट हो जाएगा, 3 महीना के अंदर में भाई वीजा आ जाएगा, हम गारंटी के साथ कह रहे हैं। मैं भी कोलकाता ही बात किया हूँ, तो भी बोल रहा है कि भाई देखो ज़्यादा जो महंगा वाला था तो उसमें नहीं जा रहे हैं, बट दो कंपनी के तो आया है इसमें, जिसको देखो ये भी बोल रहा है कि पैसा फ्री वाला नहीं आ रहा, FGB जो आता है वो फ्री में, कम पैसा में आता था, फ्री में आता था, बस उसको ले के घींच घाच के 40-45 होता था। बट वो से वो उतना अभी उसका कंपनी के वीजा नहीं मिल रहा है जल्दी, ठीक है ना, उसका वैकेंसी नहीं चालू हुआ है, वो पर्सनल है, जो पर्सनल है वो बात को अलग है। बट ना वैकेंसी की बात करते हो आप इसमें हर जगह वीजा जाने के लिए, तो वो कंपनी का नहीं है अभी, ये है फेलकरा है रिश्ता के आ गया है, दो कंपनी के आ गया, एक ना सेंटरिंग एक बाकी है प्रोसेसिंग में, अभी उसका वीजा भी चालू नहीं हुआ, जब चालू होगा तो मैं उसका नोटिफिकेशन तुमको पहुँचाऊँगा जल्द से जल्द जल्दी। भाई एक चीज़ और ध्यान रखना भाई, जिसको पम बगान में जो रिटर्न है पहले के, जो काम करके मलेशिया से गया है, पम बगान वाला रिफाइन का जो फल काटने वाला, जो लोग ना रिटर्न होगा मेरे पास इंस्टाग्राम पे SMS करना, तुम लोग के लिए तुरंत फ्लाइट होगा क्योंकि तुम लोग के तुरंत ये वीज़ा मिलेगा। पर जो रिटर्न वाले हैं भाई, वो जो अपना जल्दी जाना होगा, तो तुम लोग का तुरंत, मैं पर्सनली कह रहा हूँ, आप लोगों का जल्दी से जल्दी वो वीज़ा मिल जाएगा क्योंकि उतना रिटर्न वाला के तुरंत मांग रहे हैं। इस समय जो रिटर्न आया है पम बगान में काम करके गया है, वापस इंडिया में है, अभी वीज़ा नहीं मिला है। कहीं भी तुम लोग होगा, अगर मेरा वीडियो आप लोगों के ध्यान में आया होगा, कहीं देखा होगा, तो भाई आप लोग ना मेरा इंस्टाग्राम पे फ़ोन करना है, SMS करना, तुम लोग के लिए कोलकाता ऑफिस में ना तुम लोग के लिए तुरंत ही मांग है, क्योंकि रिटर्न का जल्दी मांग है। और जो नया वाला है थोड़ा उसको मेडिकल शेडकल जल्दी होगा, तो फिर बाद में वो 3 महीना के अंदर में होता है, बस रिटर्न वाला के तुरंत बुलाएगा, क्योंकि उसको ना आदमी की अभी ज़रूरत है, दो कंपनियों में आदमी के, अभी नया साइड में है उसमें ना आदमी नहीं है, तो इसलिए पुराना ले जाएगा और नया लोग ले जाएगा। तो इसके लिए ना जो पर्सनली भाई है, जो रिटर्न है, तो इंस्टाग्राम पे SMS करिए, कोलकाता में आप लोग का मेडिकल होगा, कोलकाता ही से आप लोग का वीज़ा मिलेगा भाई, तुम लोग मलेशिया उसके बाद आ जाओगे भाई।
भाई जिसको आना है इंस्टाग्राम पे एसएमएस करिएगा जल्द से जल्द, हम आप लोग का नंबर भेज देंगे। 11 तारीख लिए फेलकरा का है रिश्ता का, दो कंपनी का आया, वैकेंसी निकला है, ये पैसा वाला सब है, क्योंकि फेलकरा भी फ्री में वीजा नहीं देता है, ये सब पैसा वाला कुछ गेम है, सब कुछ पैसा वाला आता है भाई, फ्री वाला कोई भी नहीं जाता है। ठीक है भाई ना, जिसको मलेशिया आना है तो इंस्टाग्राम पे एसएमएस कर लीजिएगा। अगर वीडियो भाई पसंद आएगा तो भाई लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय भाई, भाई।